नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सड़कों की मरम्मत में अगर होगी लापरवाही तो ठेकेदार और इंजीनियरों पर होगी कार्रवाई, भरना पड़ेगा जुर्माना भी। बिहार के स्नातक छात्राओं के लिए खुशखबरी, 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जल्द होगी जारी। और बीपीएससी चयनित 14 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार, सीटीईटी नियमों के उल्लंघन करने का लगा आरोप। और बिहार में वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के तर्ज पर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना होगा लागू, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने दी जानकारी। उत्तर बिहार के 5 जिलों और सीमांचल के 3 जिलों में बन रही खास योजना, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। गौतम गंभीर ने धोनी रोहित नहीं बल्कि इस भारतीय प्लेयर को बताया क्रिकेट का सहसा, वीडियो तेजी से हो रहा है। अब खबरें विस्तार से। मरम्मत में लापरवाही पर इंजीनियरों और ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई। अब अगर सड़कों की मरम्मत में कोई कमी पाई गई तो संबंधित इंजीनियरों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य की समीक्षा के दौरान ये सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर पूरे राज्य की ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण करने और उनकी रिपोर्ट अधिकारी तैयार कर ले। बता दें कि पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के तहत लगभग 65,000 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए ये कदम उठाया गया है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जो ठेकेदार या संवेदक सड़कों के रखरखाव में गड़बड़ी करते हैं उनसे जुर्माना वसूल कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही हर सप्ताह स्वतंत्र जांच के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को सड़क की सूची उपलब्ध कराई जाएगी और BRRMS मोबाइल ऐप के माध्यम से अन्य विभाग के इंजीनियरों से भी फीडबैक लिया जाएगा। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार की ओर से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत जिन छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन हो चुका है उन्हें जल्द ही 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से कुल 71,354 छात्राओं ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें से 54,864 छात्राओं के आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है और उन्हें जल्द ही प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। वहीं 16,490 छात्राओं के आवेदनों का सत्यापन अभी भी प्रक्रिया में चल रही है। तकनीकी कारणों से जिन आवेदनों का अपलोड नहीं हो पाया है उन्हें अगले एक सप्ताह में पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के बाहर से आए 14 शिक्षकों की जा सकती है नौकरी। राज्य के बाहर से आए 14 शिक्षकों की नौकरी एक सप्ताह के भीतर जा सकती है। जिला शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा है, जिनमें 13 उत्तर प्रदेश और 1 झारखंड के शिक्षक शामिल हैं। दरअसल इन शिक्षकों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं और इसके साथ ही इन्होंने राज्य के अभ्यर्थियों को मिलने वाले जो 5% छूट था उसका भी इन लोगों ने लाभ उठाया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने बताया कि यदि इन शिक्षकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो उनकी सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। इन 14 शिक्षकों में गोपालपुर, नाथनगर, इस्माइलपुर और शाहकुंड के 2-2 शिक्षक, खरीक, नारायणपुर और रंगरा चौक के 1-1 शिक्षक और नौगछिया के 3 शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों की सूची में नसीमा खातून, उपासना, सीमा गौतम, अंजलि गौतम, सिंधुजा सिंह, अनु भारती, दीप शिखा मौर्य, सरिता यादव, अनीता, राधिका देवी कुमारी, मोनिका शुक्ला, आकांक्षा शर्मा, राधिका देवी और अर्चना गुप्ता का नाम शामिल है। और राज्य के 35 जिलों ने मठ मंदिरों की जमीन के आंकड़े किए अपलोड।
राज्य के 38 जिलों में से 35 जिलों ने मठ मंदिरों की जमीन से संबंधित आंकड़े विधि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इन आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में पंजीकृत मठ मंदिरों की संख्या जो है 4371 है और इनके पास कुल 29,000 एकड़ जमीन भी उपलब्ध है। बिहार के मधुबनी जिले में सबसे अधिक पंजीकृत मठ मंदिर है, लेकिन पूर्वी चंपारण के मठ मंदिरों के पास सबसे अधिक जमीन है। पूर्वी चंपारण में 137 मठ मंदिरों के पास 5874 एकड़ जमीन है। मधुबनी में 163 मठ मंदिरों के पास 2385 एकड़ जमीन है। वहीं दरभंगा जिले में एक भी पंजीकृत मठ मंदिर नहीं है। इसके अलावा सीतामढ़ी में 122 मठ मंदिरों के पास 2025 एकड़, कैमूर में 22 मठ मंदिरों के पास 656 एकड़ और लखीसराय सहरसा वैशाली पश्चिमी चंपारण और मध्यपुरा में भी मठ मंदिरों के पास उल्लेखनीय मात्रा में जमीन है। इस पूरी जानकारी का जो मकसद है ये सुनिश्चित करना है कि मठ मंदिरों की जमीन गैर कानूनी तरीके से ना बेची जाए। बकाया राशि के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों से मांगा रिपोर्ट। बिहार सरकार अब अपने हिस्से की पाई पाई केंद्र सरकार से मांगने की योजना बना रही है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों को केंद्रीय योजनाओं की बकाया राशि की गणना करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभागीय रिपोर्ट की तैयारी जो है की जा रही है और जल्द ही सरकार को पूरा बकाया राशि का ब्यौरा जो है भेजा जाएगा। मुख्य सचिव के नेतृत्व में हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय योजनाओं के बकाया और विभागीय खर्च की समस्याओं पर चर्चा हुई। इसके बाद सभी विभागों को बकाया राशि की पूरी ब्यौरणी तैयार करने को निर्देश दिया गया है। योजना एवं विकास विभाग ने इस कार्य में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। बिहार के कई जिलों में बांग्लादेशी शरणार्थियों की खोज जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 1971 से बिहार में रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों की पहचान के लिए विशेष रिपोर्ट तलब की है। पुलिस ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे बांग्लादेशी शरणार्थियों की खोज कर उनकी पूरी जानकारी तैयार कर भेजें। अब तक रिपोर्ट केवल 11 जिलों से आई है, जिनमें बांका, भोजपुर, औरंगाबाद, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, नौगछिया, सहरसा, कटिहार और शेखपुरा शामिल है। बाकी जिलों में अभी तक रिपोर्ट जो है नहीं सौंपी गई है, जिनमें राजधानी पटना, अररिया, अरवल, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, कैमूर, किशनगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण शामिल है। बिहार में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना का होगा आगाज। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना के तर्ज पर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना लागू की जाएगी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक को एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान दी जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि भागलपुर, बांका और गया जिलों में टेक्सटाइल जोन या क्लस्टर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जो है मिल चुकी है। इसके साथ ही अमृतसर, कोलकाता कॉरिडोर और गया में विकसित किए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए राज्य सरकार 28,000 रुपए खर्च करेगी। बिहार में डाइपोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। इसके अलावा एक ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा जो राज्य के उद्यमियों की मांगों और समस्याओं का समाधान करेगा। उत्तर बिहार और सीमांचल में पर्यटन बढ़ाने के लिए योजना हो रही है तैयार। बिहार विधानसभा के पर्यटन अध्ययन समिति उत्तर बिहार के 5 जिलों और सीमांचल के 3 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना बना रही है। 18 और 19 सितंबर को मुजफ्फरपुर का दौरा किया जाएगा और इसके बाद 27 सितंबर तक बारी बारी से अन्य जिलों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान समिति जो है विभाग के साथ मिलेगी और विलुप्त हो रही जो धरोहर है उनके उत्थान के लिए योजना बनाएगी। इस संबंध में बिहार विधानसभा के उप सचिव संजय कुमार ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और मधेपुरा के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर के डीएम सुभद्र सिंह ने कहा कि जिले में पर्यटकों को लुभाने के लिए सड़कों को सुंदर बनाने के साथ परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा विज्ञापन शुक्रवार को हो सकता है जारी।
बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ये विज्ञापन शुक्रवार को जारी हो सकता है। बता दें बीते दिन तक इस परीक्षा के लिए 1150 रिक्तियां घोषित की गई थी, लेकिन कुछ विभागों से अभी भी रिक्तियां और अधिसूचना आना बाकी है, जिसके आने के बाद कुल रिक्तियों की संख्या जो है बढ़कर 1300 हो जाएगी। और यदि सभी विभागों से रिक्तियां की जानकारी आयोग को आज प्राप्त हो जाती है तो शुक्रवार को विज्ञापन जारी किया जा सकता है। हालांकि रिक्तियों की अधिसूचना में अगर थोड़ी देरी होती है तो विज्ञापन जो है अगले सप्ताह भी जारी किया जा सकता है। पितृपक्ष मेला की सारी तैयारियां पूरी, 17 से 22 अक्टूबर तक चलेगा मेला। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आगामी 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये पितृपक्ष मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पितृपक्ष मेला में करीब 15 लाख तीर्थयात्रियों की आने की संभावना है। इसको लेकर बिहार सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। मेले की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वह इस संबंध में गया के DM डॉक्टर त्याग राजन SM ने कहा कि पितृपक्ष मेले को लेकर तैयारियां पूरी है। इस बार लाखों की संख्या में तीर्थयात्री गया जी को आएंगे। पितरों के मोक्ष की स्थली गया जी के धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। डेंगू का हॉटस्पॉट बना पटना। बिहार में 1326 लोग डेंगू से बीमार। बिहार में डेंगू का प्रकोप जो है तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में 1326 लोग डेंगू से बीमार हो गए हैं। बिहार में डेंगू का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 98 नए डेंगू मामले सामने आ चुके हैं, जो इस सीजन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। खासकर राजधानी पटना इस समय डेंगू का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, जहां सबसे ज़्यादा 44 केस दर्ज किए गए हैं और अब तक पूरे प्रदेश में 1326 लोग डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं और इस गंभीर बीमारी से 8 लोगों ने जान गंवा दिया है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता बरतते हुए सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 से 30 बेड डेंगू मरीजों के लिए सुरक्षित रखें। इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में 5 बेड और PHC और CHC में 2-2 बेड डेंगू मरीजों के लिए अलग से निर्धारित किए गए। वर्क कल्चर सुधारने की ट्रेनिंग लेंगे बिहार के अफसर, IIM में सीखेंगे गुड़। बीते दिन भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया और राज्य परिवहन विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। बता दें कि इस समझौते के तहत परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को प्रबंधन, नेतृत्व और कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि इससे परिवहन सेवाओं में सुधार होगा और पदाधिकारियों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिलेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस समझौते का मुख्य जो उद्देश्य है, आधुनिक प्रबंधन तकनीक की जानकारी प्रदान करना है। इससे कार्य संस्कृति में सुधार होगा, कार्यालय प्रबंधन, राजस्व वृद्धि और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में भी सहायता मिलेगी। जिलों से पुराने शिक्षकों की सूची की मांग, सरकार ने जारी किया नया निर्देश। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों को प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की सूची जमा करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार जिलों को 24 घंटे के भीतर शिक्षकों के नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि और वर्तमान पदस्थापन की जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है। इस त्वरित कार्रवाई से विभाग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी शिक्षकों की वेतनमान संबंधी जानकारी अद्यतन हो और सही हो। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर अपराध को लेकर की कड़ी आलोचना। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम को एक बार फिर से आड़ों हाथ लिया है। बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी ने अपराध का आंकड़ा जारी किया और लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सुसुप्त अवस्था में है। प्रदेश में बेलगाम अपराध और ध्वस्त विधि व्यवस्था के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोग की सत्ता प्रायोजित पूर्व नियोजित हत्याएं हो रही हैं, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी पर किसी प्रकार की कार्रवाई या तबादला करने के बजाय अपराध वाले जिलों या क्षेत्रों में ही उन्हें लंबी अवधि तक तब तक पोस्टिंग दी जा रही है जब तक पोस्टिंग के वक्त निवेशित राशि पर लाभांश न मिल जाए।
तेजस्वी आगे लिखते हैं कि नीतीश कुमार की पुलिस अपराध की रोकथाम नहीं बल्कि शराबबंदी के नाम पर धन शोधन में व्यस्त है। गौतम गंभीर ने धोनी रोहित नहीं 35 साल के भारतीय को बताया। दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने बयान से सबको चौंका दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मैच के दौरान गंभीर ने रैपिड फायर राउंड में कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब दिए, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गौतम गंभीर ने क्रिकेट के दुनिया के शहंशाह के रूप में विराट कोहली का नाम लिया। बता दें कि गंभीर ने इस सवाल के जवाब में रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी को नजरअंदाज कर दिया और विराट कोहली को एक शीर्षक से नवाजा। इसके साथ ही उन्होंने युवराज सिंह को क्रिकेट के बादशाह का दर्जा दिया। गौतम गंभीर ने खुद को एंग्री यंग मैन की उपाधि दे दी, जो कि 1988 की ब्लॉकबस्टर फिल्म से जुड़ी एक प्रसिद्ध उपाधि है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को उन्होंने दबंग बता दिया और जसप्रीत बुमराह को खिलाड़ी की उपाधि दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, सपना कुमारी, मुन्ना प्रसाद, सादुल्ला पलवी, मोहम्मद अरमान, राम बाबू दास, गोनर शर्मा, संघर्ष कुमार, गोस्वामी आनंद, संजीव कुमार, अनवर करीम खान। और इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और आखिर क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।